आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग आज क्या क्या देखने वाले, मीन्स इस चैप्टर के अंदर आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा स्केलर क्या होता है, सेकंड टॉपिक है हमारा कि वेक्टर क्या होता है, थर्ड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, और फोर्थ टॉपिक है पैरेलल शिफ्ट। क्या है? पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और हमारा छठवां टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम लोग छः टॉपिक इस आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि इन छः टॉपिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो जो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, स्केलर है। ओके, सबसे पहले पहला टॉपिक क्या हमारा, स्केलर। तो आइए हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक स्केलर के बारे में देखते हैं कि सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा स्केलर, उसका मतलब क्या होता है। अब स्केलर अगर आप लोग स्कूल टाइम में अपने ध्यान में लाए कि स्कूल टाइम में आपने स्केलर और वेक्टर दोनों पढ़ के रखा है कि स्केलर क्या होता है और हमारा जो सेकंड है वो क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर के पास क्या होता है, इट ओनली हैव मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी नंबर, मीन्स कोई भी नंबर। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास जो है डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है इसके पास, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी नंबर होता है इसके पास। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर फंक्शन है। डिस्टेंस मतलब कि मैं अगर बोल दूँ कि राम ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो बोल दूंगा मैं 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। अब मैं क्या बोल दूँ, उसने सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब वो किस डायरेक्शन में है ये मैंने नहीं बताया। अगर किसी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ नंबर हो, तो मेरा किस में आता है, स्केलर में आता है। इसके बाद मेरा आता है स्पीड मेरा, मैं अगर बोल दिया कि राम ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपनी उसके बाइक की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 10 मीटर पर सेकेंड जो उसकी बाइक की स्पीड थी, अब वो किस डायरेक्शन में थी ये मैंने नहीं बताया। वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो मैंने नहीं बताया। तो जहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, तो वहाँ पे मेरा क्या आएगा, स्केलर आएगा। ओके, अब यहाँ पे इस फिर एक आता है मेरा वर्क, कि राम ने पॉइंट ए से बी तक जाते वक्त उसने वर्क किया 10 जूल। अब राम ने वर्क किया कितना किया, 10 जूल उसने वर्क किया। अब वो 10 जूल उसने वर्क किस डायरेक्शन में किया ये तो मैंने नहीं बताया ना। इसलिए जिस भी फंक्शन के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, वो मेरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, चलिए अब हम लोग अपने वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर स्कूल टाइम में आपने ये भी दिखा हुआ, जैसे स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वैसे हमारे वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मीन्स आपके पास लाइफ में सिर्फ स्केलर होना ज़रूरी नहीं है, आपको वेक्टर बनना है, जहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो पता हो कि अगर आपको बोर्ड्स में 90% लाना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लाइफ में क्या बनना है, आपको वेक्टर बनना है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास ही डायरेक्शन होता है सही काम करने का। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेक्टर का। सबसे पहला और सिंपल क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे भी इसका यूनिट अगर मैंने ले लिया कि ये 10 किलोमीटर है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अगर अजय ट्रैवल करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब आपके मन में डाउट यहाँ पे ये आएगा कि 10 किलोमीटर तो हमने डिस्टेंस में भी देखा था, 10 किलोमीटर हमने यहाँ पे भी देखा था डिस्टेंस में, तो इसको भी तो हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। नहीं,
अब 10 किलोमीटर मैंने बताया कि राम ने ए से बी 10 किलोमीटर ईस्ट में ट्रैवल किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, बताया कि राम ने 10 किलोमीटर ईस्ट में ट्रैवल किया। इसकी वजह से मेरे जो डिस्टेंस था उसको क्या मिल गया, डायरेक्शन। और डिस्टेंस को डायरेक्शन मिलते हो किस में बदल जाता है, डिस्प्लेसमेंट में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है, डिस्प्लेसमेंट में बदल जाता है। अगर आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बताऊँ, अगर आपको कोई वैक्टर क्वान्टिटी लिखनी है तो वैक्टर क्वान्टिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो मल्टीप्लीकेशन, उसके पास में क्या हो, डायरेक्शन भी हो। यहाँ पे देखिए, इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन वे मीन्स 10 किलोमीटर कहाँ पे, उसके पास ईस्ट में। समझा इतना। इसके बाद सबसे सिंपल हमारा जो सेकेंड क्वांटिटी हम लेंगे वो लेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका भी अगर मैं यूनिट लूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। हमने ये देखा था कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में भी लिया था हमने राम के केस में, बट अजय के केस में क्या है, उसने 10 मीटर पर सेकेंड उसकी उसका क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे उसका ये कि जो राम का 10 मीटर पर जो राम के केस में 10 मीटर पर सेकेंड था, बट अजय के केस में क्या है वो वेलोसिटी बन गया। तो अजय ने जो 10 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल किया उसने किस डायरेक्शन में किया, मैंने बोल दिया उसने ईस्ट के डायरेक्शन में किया। मतलब मेरा जो स्पीड है वो किस में बदल गया, वेलोसिटी में बदल गया, सिर्फ किसकी वजह से, एक डायरेक्शन के ऐड होने की वजह से। सिर्फ एक डायरेक्शन के ऐड होने की वजह से मेरा जो स्पीड है, मीन्स स्पीड में जब मेरा डायरेक्शन ऐड हुआ तो किस में बदल गया, मेरा वेलोसिटी में। इसीलिए जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन ऐड हो जाए, तो क्या बन जाता है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी में मेरा डायरेक्शन ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। आई होप आपको स्केलर और वेक्टर दोनों समझ में आ गए होंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर वेक्टर हमने देख लिया कि, और हाँ, वेक्टर का सिंबल बस ये एक एरो क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर का सिंबल बोलते हैं, वेक्टर का सिंबल। अब ये जो वेक्टर का सिंबल क्या डिनोट करता है, ये देखिए, जो वेक्टर का सिंबल है ये डिनोट क्या करता है। अब इसका जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ L है, वो मेरे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो इसका निकला हुआ ना आगे टोपा, ये टोपा मेरे को इसका डायरेक्शन बताता है। इस एरो को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, इसलिए इस एरो का लेंथ हमको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और इसका जो टोपा है वो हमको डायरेक्शन बताता है कि हमारा जो फंक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है। ओके, चलिए इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो हमारा पहला टॉपिक था। क्या था हमारा तीसरा टॉपिक, पहला क्या था हमारा स्केलर, दूसरा क्या था वेक्टर, और तीसरा क्या हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब पहले मैं यहाँ पे आपको सारे टाइप्स लिखवा देता हूँ, तो आप भी मेरे साथ में लिखते रहिए। फर्स्ट टाइप होता है हमारा इक्वल वेक्टर, सेकंड होता है हमारा अनइक्वल वेक्टर, उसके बाद होता है हमारा पैरेलल वेक्टर, थर्ड टाइप क्या हमारा पैरेलल वेक्टर, उसके बाद हमारा आता है चौथा टाइप एंटी पैरेलल वेक्टर, उसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर, उसके बाद आता है कोप्लेनार वेक्टर, उसके बाद आता है कॉन्करंट वेक्टर, उसके बाद आता है ज़ीरो वेक्टर, फिर आता है सबसे मेन वेक्टर यूनिट वेक्टर। मीन्स अगर बोल सकते हैं ना, पूरे वेक्टर में सबसे मेन वेक्टर कोई तो है, वो है यूनिट वेक्टर।
तो हमने अपने वेक्टर्स के टाइप देख लिए, इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो अभी हम लोग को एक एक वेक्टर के बारे में पढ़ना है। क्या करना है हमको, अभी एक एक वेक्टर के बारे में पढ़ना है। ओके चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला वेक्टर है क्या है, हमारा जो सबसे पहला वेक्टर है क्या है, वो इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर होता क्या है, इक्वल वेक्टर होता क्या है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मीन्स जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मेरा क्या होता है, इक्वल वेक्टर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, एक वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर ए। हाँ, वेक्टर का सिंबल क्या होता है, मैंने आपको एरो बोला था ना, अगर किसी के ऊपर मैंने ऐसा एरो लगा दिया तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ए वेक्टर। अगर वी के ऊपर लगाया तो ये बन जाएगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर, और अगर एफ के ऊपर लगाया तो फोर्स वेक्टर। ओके, तो मेरा ये क्या हुआ, ए वेक्टर। आप वेक्टर को बार में भी लिख सकते हो, जैसे आपको बार बार एरो नहीं निकालना है तो आप वेक्टर की जगह पे बार भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन अभी हम लोग वेक्टर ही लेते हैं। तो ए वेक्टर है, इसका मैंने यूनिट दे दिया, मैग्नीट्यूड है मेरा 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी डायरेक्शन मैंने दे दी ईस्ट। ओके, सेम इसके आगे मैंने बी वेक्टर लिया, इसका मैंने भी यूनिट दिया मैंने इसको 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन मैंने बोल दिया ईस्ट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, जिसका मैग्नेटिव डायरेक्शन दोनों सेम है। अब इसी के साथ में सेकंड टाइप जो आता है हमारा, वो होता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन है मैग्नेट्यूड दोनों में से कोई भी एक चेंज हो, जिसमें डायरेक्शन या मैग्नेट्यूड दोनों में से कोई भी एक चेंज हो, वो मेरा क्या बन जाएगा, अनइक्वल वेक्टर बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ मेरा वेक्टर ए है, उसका यूनिट है 10 मीटर पर सेकेंड किस साइड में, ईस्ट में, और यहाँ पे मेरा वेक्टर बी है, जिसका डायरेक्शन है साउथ में, बट मैग्नीट्यूड क्या है उसका, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है उसकी, अलग है, एक ईस्ट में और एक साउथ में। तो मेरा किस में बन जाता है, अनइक्वल वेक्टर्स में। अगर आपको आज के टॉपिक के नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है, न्यू इंडियन एरा। आपको वहाँ पे हर एक टॉपिक के, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, केम, सबके नोट्स PDF में मिल जाएंगे। आप जाइए टेलीग्राम पे, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो हमने दो टाइप देख लिए, कौन कौन से देखे, इक्वल और अनइक्वल वेक्टर। ओके चलिए, अब हम जाते हैं अपने थर्ड टाइप के। यहाँ पे थर्ड टाइप क्या है, पैरेलल वेक्टर। वेट, थर्ड टाइप क्या हमारा, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर को ही देख के हमको समझ आ रहा है कि दो वेक्टर जो वो पैरेलल होंगे, क्या होंगे वो, पैरेलल होंगे। जैसे कि मेरा वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी, अब ये दोनों वेक्टर क्या आपस में पैरेलल है। अगर मैंने इनके रिस्पेक्ट में एक छोटा वेक्टर बना दिया वेक्टर सी, ये भी क्या होगा, पैरेलल वेक्टर ही आएगी, इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। और ऑलवेज एक नोट यहाँ पे लिख के ले लो कि पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 0 डिग्री का। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 0 डिग्री का। ओके, अब इसी के साथ में, इसी का मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसका नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या नाम है उसका, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इन दोनों का जो डायरेक्शन सेम होगा और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा, आप इस वेक्टर को इस वेक्टर पे उठा कर रख दीजिए, इस वेक्टर को उठाइए और इस वेक्टर पे रख दीजिए, तो दोनों का एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री ना, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक है। बट एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसा नहीं होता। अगर मेरा वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है तो मेरा वेक्टर ए इस डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसके लिए इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का। कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री का, आप देख सकते हैं।
कौन सा एंगल बनता है 180 डिग्री का। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अब यहाँ से जो वेक्टर शुरू हुआ है वहाँ से हर वेक्टर इंपॉर्टेंट वेक्टर है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये हमारा जो कोलिनियर वेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर देखिए होता क्या है, अगर मैंने बोला कि मेरा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ये दोनों वेक्टर मेरे क्या हुए, कोलिनियर हुए। ये दोनों वेक्टर मेरे क्या हुए, कोलिनियर हुए। कोलिनियर कैसे हुए, जो वेक्टर एक ही लाइन में लाई करते हैं, जो वेक्टर एक ही लाइन में सेम लाइन में लाई करते हैं, किसमें सेम लाइन में लाई करते हैं, वो मेरा क्या बन जाता है, कोलिनियर वेक्टर। अगर इसके आगे मैं एक वेक्टर और लगा दूँ वेक्टर सी, तो ए बी सी क्या होंगे, मेरे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। मींस जो वेक्टर एक ही लाइन में लाई करते हैं वो मेरा क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, को प्लेनार वेक्टर क्या आता है, को प्लेनार वेक्टर आता है। को प्लेनार वेक्टर क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि ये देखिए ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, अब अगर ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, मीन्स दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मेरे क्या बन जाते हैं, को प्लेनार वेक्टर बन जाते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारा प्लेन होता है, जो प्लेन होता है वो मेरा टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल मतलब जैसे आपका नोटबुक का सरफेस हो गया, बेंच का सरफेस हो गया, जैसे ये पेपर हो गया मेरा, ये पेपर ही मेरा है टू डी है, क्योंकि मेरे पेपर को हाइट नहीं है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ मीन्स अगर एक प्लेन के ऊपर, जैसे मैंने ये एक प्लेन लिया, इस प्लेन के ऊपर मैंने एक वेक्टर ए ऐसा लिया, एक वेक्टर बी ऐसा लिया और एक वेक्टर सी ऐसा लिया। ओके, तो ये तीनों वेक्टर मेरे क्या होंगे, को प्लेनर वेक्टर होंगे, क्योंकि वो तीनों एक ही प्लेन में लाए कर रहे हैं। बट अगर मेरा वेक्टर ये देखिए, जैसे कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अब अगर मैंने 3D में एक इसकी बाहर ली, मीन्स वेक्टर सी, अब ये जो सी वेक्टर है वो पेपर के बाहर निकल रहा है। अगर आप ऐसा देख सको तो मेरा सी वेक्टर कैसा है, ऐसा है। देखो मैं आपको थोड़ा अज्यूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा वेक्टर अगर इस प्लेन पे आ रहा है, अगर ये मेरा वेक्टर, ये जो मेरा ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, अब ये दोनों क्या है मेरे प्लेन पे आ रहे हैं, तो ये मेरा किस में आ गए, कोप्लेनर वेक्टर में आ गए। बट जब इनके पास अगर हाइट आ गई, इनके पास अगर हाइट आ गई, तो ये जो सी वेक्टर है मेरा, ये वाला, वो मेरा क्या पेपर के बाहर निकल रहा है, तो ये मेरा सी वेक्टर क्या है, ये प्लेन में नहीं है। मेरा तीनों वेक्टर तो है लेकिन ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि इन तीन वेक्टर में केवल दो वेक्टर ही कोप्लेनर वेक्टर बना पाएंगे जो प्लेन के साथ में है। ओके, तो आई होप आपको कोप्लेनर वेक्टर समझ में आ गया होगा, वही वेक्टर जो प्लेन में लाए करते हो मेरा क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। और एक प्लेन में दो नहीं, बहुत सारे वेक्टर आ सकते हैं, बस वो प्लेन में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए बी सी डी ई एफ, मीन्स मैं बहुत सारे वेक्टर एक ही प्लेन में ले सकता हूँ, बट वो 2D प्लेन में ही होने चाहिए, उनके पास हाइट नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको कोप्लेनर वेक्टर भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो सेकेंड लास्ट वेक्टर है वो क्या है, हमारा कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट मीन्स मेरे जितने भी वेक्टर्स निकलेंगे, वो क्या होंगे, एक सिंगल पॉइंट से निकलेंगे। जैसे कि मैंने अगर बोला कि मेरा एक पॉइंट यहाँ पे, इसके ऊपर मैं फोर्स F1 लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर मैं फोर्स F2 लगा रहा हूँ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये मेरा फोर्स कैसा हो गया, मेरा ये फोर्स बन जाएगा कॉन्करेंट फोर्स। क्या बन जाएगा, ये मेरे कॉन्करेंट फोर्स बन जाएगा। जैसे कि अगर मेरे एक ही वेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर, मीन से कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग जगह से फोर्स लग रहा है, F2 F3 F4 F5 F6 और ये सब क्या होंगे, मेरे वेक्टर होंगे, तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस बन जाएंगे। ये मेरे क्या बन जाएंगे, कॉन, ये सब मेरे क्या बन जाएंगे, कॉन।
तो हमने इस वेक्टर का भी टाइप देख लिया। हमने जो हमारा ये वेक्टर है वो हमने क्या देखा कि वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से सारे वेक्टर्स निकलते हैं या किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर से ही हर वेक्टर निकलता है और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं होता। इस वेक्टर के अंदर एक नोट करने वाली चीज़ क्या है कि डायरेक्शन हर किसी हर एक वेक्टर का सेम नहीं होता। ओके चलिए ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारा जो आता है सेकंड वेक्टर वो होता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर की खास बात क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़ीरो होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आर्बिटरी होगा। वो क्या होगा, आर्बिटरी मतलब एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर मैं बोलूँ कि उसने कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, वो क्या है मेरा 0 meter है, अब वो किस डायरेक्शन में बोलूँ, मैं साउथ में बोलूँ, ईस्ट में बोलूँ, वेस्ट में बोलूँ या नॉर्थ में बोलूँ, वो डायरेक्शन उसका किधर भी हो लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो तो 0 ही है। तो उसको डायरेक्शन दे के ना दे के मतलब इसलिए उसका डायरेक्शन आप कहीं भी लगा सकते हो कि 0 meter east, 0 meter west, 0 meter south, 0 meter north, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या होता है, 0 vector होता है। अभी जो वेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन वेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर है और इसके ऊपर तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, अगर वेक्टर के ऊपर से क्वेश्चन बनाया तो। यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, 1 होता है और उसका डायरेक्शन जो है वो हमें गिवन होगा। ओके जैसे कि मैं अगर बोला कि यहाँ पे मेरे पास 2 vector दिए हुए, वेक्टर बी और वेक्टर ए वेक्टर, तो इसके अंदर मेरे को यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे बताऊंगा मैं कि यहाँ पे 1 magnitude मीन्स यूनिट मैग्नीट्यूड में एक वेक्टर है जो मेरा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा और जो इस एक डायरेक्शन में होगा, इसको मैंने एक्स नाम दिया, इसको मैंने वाई नाम दिया कि एक्स डायरेक्शन में मेरा एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम होता है, किसी भी फंक्शन को डायरेक्शन देना, अगर किसी फंक्शन के पास डायरेक्शन नहीं है आप उसके अंदर यूनिट वेक्टर लगा के उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 kilometer का एक डिस्टेंस है जहाँ से अजय ने ट्रैवल किया। ओके अब इसके अंदर मुझे यूनिट वेक्टर बताना है, तो इस डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर इतना है, इस डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर इतना है बस। इससे मुझको क्या मालूम पड़ गया, मेरे को अपना डायरेक्शन मालूम पड़ गया, मुझे अपना डायरेक्शन मालूम पड़ गया। अगर मैंने सिर्फ एक लेंथ, सिर्फ एक लाइन दी है और आपको डायरेक्शन नहीं पता तो यूनिट वेक्टर मेरे को क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा। जैसे पॉइंट सी से डी के ऊपर 10 kilometer का डिस्टेंस है लेकिन अजय ने कितना ट्रैवल किया, अगर मैं बोला कि अजय ने 1 unit ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, उसने 1 unit ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो मेरे को तो उसका डायरेक्शन मिल गया, अगर मेरा यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ वो डायरेक्शन निकाल के देता है। जैसे पॉइंट ई और पॉइंट एफ है, ओके पॉइंट ई और पॉइंट एफ है और मुझे पूछा कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अतुल ने वेस्ट डायरेक्शन में 1 unit डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मुझे उसका डिस्टेंस तो लेंथ तो मुझको उसका बाद में जानना है, मुझे सबसे पहले क्या जानना है, उसका डायरेक्शन जानना है। तो मुझे यूनिट वेक्टर ने क्या दिया, उसका डायरेक्शन दे दिया। तो अगर मेरे को यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मालूम पड़ेगा तो मेरे को पूरे वेक्टर का डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगा। ये होता है मेरा यूनिट वेक्टर, जिसका काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर को फिजिक्स में लाया इसलिए या ताकि वो फिजिक्स को एक डायरेक्शन दे सके, बस यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ इतना होता है किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देना। ओके अब तक हमने हर एक जितने भी थे वेक्टर सबके टाइप्स देख लिए कि हर एक वेक्टर क्या क्या होता है, उनमें क्या इम्पोर्टेंस थी, उनमें क्या नोट करने लायक था, हमने वो सब देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ वेक्टर। सबको ये टॉपिक बड़ा अजीब सा लगता है कि ये टॉपिक पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर है क्या, पैरेलल शिफ्टिंग होती क्या। तो ये जो वेक्टर है मेरा, ये सबसे सिंपल टॉपिक है पैरेलल शिफ्ट। जैसे कि मैंने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए लिया मैंने, अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया, यही मैंने वेक्टर ए उठा के यहाँ पे रख दिया। तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ पैरेलल शिफ्ट किया। अगर मेरा वेक्टर कोई ऐसा है, मेरा वेक्टर सी है वेक्टर, तो मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया वेक्टर सी को। तो मैंने इस वेक्टर को क्या किया, पैरेलल शिफ्ट किया। मैं वेक्टर के अंदर वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट
कर सकता हूँ, मैं वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, और पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से ही हम लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल ईजिली निकाल सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे दो वेक्टर दिए हुए, जैसे कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन वेक्टर्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग मींस मैंने ए को क्या किया, थोड़ा नीचे लिया, और बी को थोड़ा नीचे लेके आगे घसका दिया, और यहाँ पे क्या किया, उसको बी को रख दिया। अब ए के पैरेलल में ए है और बी के पैरेलल में बी है, तो मेरे पैरेलल शिफ्टिंग से मेरे को क्या हुआ, दोनों वेक्टर के बीच का एक एंगल मिल गया। क्या मिल गया, वो 90 डिग्री मिल गया। मीन्स पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं। बस आपको इसमें इतना समझना था कि हम लोग वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले, वो टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सिर्फ एक बोधपूर्ण मंत्र, मतलब बोलो ना ब्रह्मास्त्र, सिर्फ वो मंत्र याद रखो, आप ये टॉपिक को इजीली निकाल सकते हो। मीन्स किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आपके चुटकियों का खेल होगा। तो वो मंत्र क्या है हमारा, टेल से टेल और हेड से हेड, हेड से हेड और टेल से टेल। आप इसको गाने में देख सकते हो, टेल से टेल मिला और हेड से हेड मिला, ओके। तो ये मंत्र हमको मिल गया, बस अभी इस मंत्र का हमको उच्चारण करना है, प्रयोग करना है और आंसर निकालना है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया अपना, ये मेरा वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर बी, अब इनके बीच में एंगल कितना है मेरा। अब ये देखिए, ये टेल, इसका टेल और इस वेक्टर का टेल दोनों क्या है, जॉइन है। टेल से टेल जॉइंट होना चाहिए या हेड से हेड जॉइंट होना चाहिए, तो उस उन दोनों के बीच का हम लोग एंगल बता सकते हैं। तो टेल से टेल जॉइन है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, ये मेरा वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी, अब इनके बीच का एंगल मैंने दिया आपको 120 डिग्री। अब क्या ये इनके बीच का असली एंगल है 120 डिग्री, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेल से टेल और हेड से हेड जॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे टेल से हेड और हेड से टेल जॉइंट है, तो मुझको क्या करना है, पहले मुझे टेल को टेल से जॉइंट लेना है, उसके बाद ही मैं एंगल निकाल पाऊँगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करवा दी उसकी, अब आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सिस में आ गया, अगर ये 120 डिग्री है, तो एक इस एक्सिस की एंगल कितना होता है, इसका 180 डिग्री होता है ना, तो 120 को 80 बनने के लिए कितना चाहिए, 60 डिग्री। ये मेरा वेक्टर बी, तो मेरे ए और बी के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे तो थीटा मेरा 90 है, और यहाँ पे थीटा मेरा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग अपना तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये मेरा वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी, इनके बीच का मैंने एंगल आपको दे दिया 45 डिग्री। अब इनके बीच का थीटा सिंपल है निकालना, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये हेड से हेड जॉइंट है, अब आते हैं हम लोग अपने चौथा एग्जांपल हमारा, मेरा वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल मैंने आपको दे दिया 130 डिग्री। मैंने एंगल कितना दे दिया आपको, इसके बीच का 130 डिग्री दिया। अब आपको ए और बी के बीच का एंगल बताना है। अब यहाँ पे हेड से टेल जॉइंट है, मीन्स ये हेड से ये टेल जॉइंट है इसका, तो इनके बीच का एंगल मैं कैसे बताऊँगा, सबसे सिंपल मैं इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करवा के ऊपर ले लूँगा, तो मेरा वेक्टर ए बन जाएगा ये ना। अगर ये 130 डिग्री है, तो 180 को पूरा करने के लिए इसके बीच का एंगल कितना बनना चाहिए मेरा, 50 डिग्री। मतलब मेरा ए और बी के बीच का एंगल कितना है मेरा, 50 डिग्री है। तो हमने देखा कि हम लोग टेल से टेल और हेड से हेड का मंत्र का प्रयोग करके कैसे उनके बीच का वेक्टर
मीन्स दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं वेरी और वेरी इजीली मेथड से। ओके, अब इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, हमारा जो थीटा है ना वो बड़ा होना चाहिए ज़ीरो डिग्री से। हमारा थीटा ज़ीरो डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री का छोटा है बराबर होना चाहिए। मीन्स मेरे जो थीटा की वैल्यू है वो 180 और 0 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए। वो 0 और 180 होगा तो भी चलेगा, बट उनसे छोटा होना चाहिए, उनसे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आपके मन में डाउट भी आया होगा कि अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, अब अगर इनके बीच में 90 डिग्री है तो टेल से टेल तो यहाँ भी जॉइंट है ना, तो बाहर से भी एंगल बना सकता है, वो बाहर से भी एंगल बना सकता है कितना 270 का, बाहर से भी एंगल बना सकता है। तो हमने केवल 90 डिग्री क्यों लिया टेल से टेल, हमको ऑलवेज स्मॉलर एंगल्स लेना है। क्या लेना है? स्मॉलर एंगल्स लेना है। और जो एंगल किसके बीच में होगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में। हमने पीछे जितने भी एंगल्स निकाल लिए वो क्या थे, 0 और 180 के बीच के ही थे। ओके, इतना समझ गया। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया वेक्टर ए, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये मेरा वेक्टर डी हो गया, ये मेरा वेक्टर सी हो गया, और ये एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और यहाँ नीचे मैंने एक वेक्टर दे दिया वेक्टर बी। अब मुझे एंगल बताना है, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे पूछा कि मुझे ए एंड बी के बीच का एंगल बताइए, बी एंड सी के बीच का एंगल बताइए, सी एंड डी के बीच का एंगल बताइए मेरे को, तो आप कैसे एंगल में बताएंगे उसका, आप कैसे एंगल बताएंगे? तो सबसे सिंपल क्या है, मैंने पैरेलल शिफ्टिंग करवाई, मैंने पैरेलल शिफ्टिंग ली ए की, तो मैंने ए को क्या किया, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करवा दिया, ये मेरा वेक्टर ए हो गया। अब मैंने वेक्टर बी को उठाया, मैंने वेक्टर बी का पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे करवा दिया। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, एक पॉइंट पे सारे वेक्टर्स मिल गया, तो ये मेरा कैसा बन गया, कॉन्करेंट वेक्टर बन गया है मेरा। ये मेरा कौन सा वेक्टर बन गया, कॉन, तो हमारे वेक्टर का टाइप हमको मिल गया। ओके, अब हमको सिर्फ क्या करना है, एंगल्स निकालने। तो पहला एंगल क्या था हमारा, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री हमको मिल गया। बी और सी के बीच का एंगल, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ये मेरा 60 डिग्री और ये मेरा 90 डिग्री, तो 90 और 60 कितना होता है मेरा, 150 होता है ना। मीन्स ये टोटल एंगल मेरा कितना होगा, 150 डिग्री होगा मेरे बी और सी के बीच का एंगल। फिर क्या, सी और डी के बीच का एंगल, ये 60, ये 30 हो गया 90, टोटल कितना होगा 180, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, ये 90 डिग्री मिल जाएगा। तो 90 180, तो मेरे को सी और डी के बीच का एंगल मिल गया, कितना मिल गया, 90 डिग्री। तो हमने हर एक वेक्टर के बीच का एंगल देख लिया, 90 डिग्री 150 डिग्री। ओके, तो आप इससे किसी भी, मतलब तुम लोग पूछ लो ना कि ए बी सी डी किसके बीच का एंगल तुम लोगों को मांगता है, तो हम तुम लोग किसी के भी बीच का एंगल निकाल सकते हो। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। तो अब हमारा आज के दिन का केवल एक लास्ट टॉपिक बाकी है, वो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ओके, बाकी है हमारा तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, जिसका ब्रह्म सूत्र मीन्स एकदम ब्रह्मास्त्र है, वो क्या, हेड टेल मेथड। इसके पिछले वाले में क्या था, टेल से टेल मिला और हेड से हेड मिला, और इसमें क्या है, हेड से टेल मिला या टेल से हेड मिला, वो वाला मेथड। ओके, तो जैसे कि मैंने वेक्टर ए लिया और ये मेरा वेक्टर बी लिया, मैंने मेरा वेक्टर और वेक्टर बी, अब इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। मीन्स इनका जो रिजल्ट या जो आंसर आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद, उसका एक कॉमन नाम दिया गया, वो कॉमन नाम क्या है, रिजल्टेंट। वो कॉमन नाम क्या है, रिजल्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं उसको। ओके, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, देखिए ये हेड से ये टेल मिला, ये हेड से ये टेल मिला। अभी हेड टेल मेथड भी कैसा है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है मेरा, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का
हेड दोनों को जॉइंट कर दो, मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड जॉइंट में ला दो, मेरे को मेरा वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड दोनों को जॉइंट कर दिया, तो मेरे को मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, मेरे को मिल गया। अब ये तो मेरा सबसे सिंपल फॉर्म था, ये तो मेरा सबसे सिंपल फॉर्म था। अब अगर मैं थोड़ा टफ में जाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कि एक टीम है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गई, फिर वो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक गई, फिर वो पॉइंट डी से पॉइंट ई तक गई। अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर निकालना है। तो ए से बी तक गई तो एक यहाँ पे आ गया, फिर बी से सी तक गई तो एक यहाँ पे आ गया, फिर सी से डी तक गई तो एक कोना यहाँ पे आ गया, और डी से ई तक गई तो एक कोना यहाँ पे आ गया। अब मेन बात क्या है कि जो टीम थी ना आपकी, जो गई, ये जो टीम गई इन पांच जगहों पर, तो उस टीम के बॉस ने बोला, बाकी बात तो ठीक है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना लिया तुमने, तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। तो तुमने क्या किया, तुमने पहले वेक्टर का टेल मींस जो हमने देखा था फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, हमने क्या किया उसको जॉइंट कर दिया, हमने क्या किया उसको जॉइंट कर दिया। तुमने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया था 4 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर तुमने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो तुमको पूछ लेगा तुमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, इतना तो तुम लोग चल के गए ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना लिया तुम्हारी टीम ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट ए से ई के बीच में, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग में लूँ, मैं इसको यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ ये 4 मीटर को ना, तो ये 4 मीटर मेरा यहाँ पे आ गया। अब पैरेलल शिफ्टिंग में लूँ तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया 3 मीटर आ गया। तो मेरे को क्या हुआ, एक बड़ा सा मिल गया वेक्टर, मीन्स एक ये मिल गया और एक ये वेक्टर मिल गया, जिसको मैं टोटल जोड़ दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कितना 8 मीटर, और ये मिल जाएगा मेरे को कितना 9 मीटर। ओके, ये मेरे को कितना मिल गया 8 मीटर और ये 9 मीटर मेरे को मिल गया। तो 8 4 4 8 और 3 3 6। अब मेरे को क्या करना है, इसके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। सिंपली है, मेरे को निकालने के लिए मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कौन सा थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं सिंपल से इसका निकाल सकता हूँ। अब ये 4 और 4 8 हो गया, और ये 3 और वेट यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 नहीं 6 आएगा, तो 8 और 6 मीटर। तो सबसे सिंपल क्या किया हमने, इसको पैरेलल शिफ्ट किया, ये इस नीचे वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया ऊपर, ये 3 वाले को पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ पे, तो हमको 8 मीटर मिल गया टोटल डिस्टेंस, और यहाँ क्या मिल गया 6 मीटर मिल गया। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे को जोड़ने के लिए क्या था, मेरे को पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड जोड़ना था, मैंने जोड़ दिया। तो मैं अगर इसको मान लूँ एक्स वेक्टर में इसको मान लूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना मिलेगा मेरे को 64 प्लस 36, कितना होता है 100। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 मीटर, मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, मैंने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। और अगर मैं इसे डायरेक्शन पूछ ली उसने, तो मेरे को डायरेक्शन ऑलवेज अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे को डायरेक्शन बतानी है। ये डायरेक्शन मेरी क्या है, ईस्ट, ये मेरी नॉर्थ, ये मेरी वेस्ट और ये मेरी साउथ। तो ये डायरेक्शन मेरा क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा मेरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होगा मेरा, ये मेरा कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। ओके, तो आई होप आपको आज का समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब तो यहाँ पे हमको सबसे सिंपल मालूम है कि हम लोग ऐसे वेक्टर को पाइथागोरस से मिला कर जोड़ सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे कि आपको वेक्टर ए दे दे, फिर वेक्टर बी दे दे आपको, और आपको रिजल्टेंट मालूम है कि इसको इसको जोड़ूंगा तो पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड जोड़ने मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा।
अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, आपको तो एंगल मिल नहीं रहा है यहाँ पे कि एंगल कितना दिया है मेरे को। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।